हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड का दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम जुलाई के दो भाग कंप्लीट कर चुके हैं और उधर जनवरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा भाग देख, जिसमें करीब करीब 50-60 प्रश्न हैं, आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, ठीक है। और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। तो आज का पहला प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है भाई किसान सारथी, ठीक है, किसान सारथी है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक मोबाइल ऐप पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लॉन्च किया। किसी राज्य सरकार ने जो पेंशन भोगियों को एक परेशानी मुक्त मुक्त इंटरफेस प्रदान करेगा, तो ये है मेघालय सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। तो क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी के लिए मेडा नामक चैटबॉट भी को भी शामिल किया जाएगा। मेडा एक नाम से एक चैटबॉट भी इसमें रहेगा शामिल। पेंशन भोगी वहाँ पर प्रश्न पूछेंगे और आप में सुधार करने के सुझाव टाइप कर सकते हैं, जिसकी विधिवत निगरानी की जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ कच्चे माल बनाने वाले प्रमुख स्टील कोकिंग कोल पर सहयोग के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ, तो देश का नाम है भैया रूस, भारत ने रूस के साथ ऐसा समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत और एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की सेवा के लिए गूगल क्लाउड ने अपना नया क्लाउड क्षेत्र कहाँ लॉन्च किया है। तो इसने कहाँ पे लॉन्च किया भाई, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में मिलाकर फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें यूपी के 8 जिले शामिल हैं, ध्यान रखना। कौन सा देश 2021 में भारत में सोने का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना, सोना गोल्ड का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना भाई, तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। कुल व्यापारिक भागीदारी के रूप में देखा जाए तो चीन आगे है, उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, लेकिन सोना में स्विट्जरलैंड सबसे आगे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है यहाँ पे लिखा हुआ, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और सेना को मजबूत करने के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। MPATGM में फर्स्ट M का अर्थ क्या है, पहला वाला जो M है उसका मतलब क्या है भाई, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, एम पहले एम का मतलब क्या हो सकता है भाई, पहले एम का मतलब हो सकता है फॉरगेट मैन, ठीक है, MPATGM क्या है, फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो पहला मैन है, ठीक है, पहला मैन मनु लिखा वहां पे मैन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राशन के लिए लंबी कतारों से बचने से दुकानदार से कम राशन प्राप्त करने के लिए भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया, पहला अनाज एटीएम भारत का कहाँ बन रहा भाई, गुरुग्राम में, ठीक है। अगला प्रश्न है,
यू ग्रुप कैपिटल ने एमएसएमई क्षेत्र को स्व उधार देने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? यू ग्रुप कैपिटल को संस्था होगी। ऋण वितरण को प्रथम कहा जा रहा है, तो किसके साथ समझौता किया है? यू ग्रो कैपिटल। एक देखो, पहली बात ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कर रहा है, ठीक है, समझौता। यू ग्रो कैपिटल कैसा है? एक गैर बैंक फाइनेंसर है, राज्य के स्वामित्व वाला बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से ये उधार की भागीदारी कर रहा है, ठीक है। प्रथम नामक ऋण वितरण शुरू हो गया। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के दल के प्रेस अताशे के रूप में किससे नियुक्त किया गया? प्रेस अताशे के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये है बी के सिन्हा को नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने आयुर्वेद की सभी शाखाओं में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किस सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? आयुर्वेद, ठीक है, किसके साथ किया है? तो ये हुआ है भाई गुजरात सरकार के साथ, ठीक है, गुजरात सरकार के साथ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने आरोग्य रक्षक एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है? किसी बीमा कंपनी ने किया है, तो ये है भाई LIC, ये LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। UKPSC का भी फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट है 30 अगस्त, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ भी अच्छी खासी पोस्ट है, तो आप भर सकते हैं उत्तराखंड के लिए, ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो देखिए एक चीज़ और है, उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो स्पेशल के रूप में कुमाऊं क्षेत्र और हिमाचल के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है हरेला त्यौहार, ठीक है। पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति बने भाई? ये हैं पेरू के राष्ट्रपति, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, याद रखना। क्लियोपास दलमिनी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? क्लियोपास दलमिनी किस देश के, ये हैं दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र है, ठीक है। इस्वातिनी, ठीक है, इस्वातिनी के नए प्रधानमंत्री बने। केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड से जोड़ने की विस्तारित समय सीमा क्या है? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड से जोड़ने की विस्तारित समय सीमा क्या है? तो ये है भैया 30 सितंबर 2021 तक है, ठीक है, ये जुलाई की बात कर रहे हैं हम अभी। अगला प्रश्न है, 2020-21 सत्र के लिए AIFF फुटबॉल पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये हैं संदेश सिंह वांगजानी को चुना गया AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ओके। अगला प्रश्न है, एक त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास हुआ TTX 2021 किन देशों के अधिकारियों के बीच आयोजित किया गया? तो भाई ये TTX जो है भारत, श्रीलंका और मालदीव के अधिकारियों के साथ बीच में किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में शामिल किया गया? किसे किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा टोक्यो ओलंपिक खेल में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किसको किया गया भाई? ये किया गया है अदानी समूह को, याद रखना, अदानी समूह, ओके। IOA के महासचिव हैं राजीव मेहता, टोक्यो में है, ने विकास की घोषणा की है, तो अदानी समूह को शामिल किया गया भाई। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत अपने गहरे महासागर मिशन और समुद्री संसाधनों के माध्यम से कितनी नीली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है? तो नीली अर्थव्यवस्था, नीली क्रांति ना, मछली से संबंधित है, तो याद रखना 100 अरब रुपया, ओके। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 21 में
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक लॉरल प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? ओलंपिक लॉरल लॉरल प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है भाई? तो ये हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस है नाम है इनका, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं, याद रखना भाई, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं मोहम्मद यूनुस। सरकार ने अप्रैल 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? जैसा कि जुलाई 2021 में इसकी घोषणा भी की गई है, तो ये है 15,97,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, 15,97,000 करोड़ रुपया। कौन सी राज्य सरकार ने राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट किस राज्य का है भाई? तो ये किस राज्य का है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये है हरियाणा सरकार का, ठीक है, हरियाणा सरकार का है। अगला प्रश्न है, कौन सी एयरलाइन है IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली मध्य पूर्व की पहली एयरलाइन बन गई? तो भैया कौन सी है ये? ये है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने घोषणा की कतर एयरवेज मध्य पूर्व में IATA टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी, ठीक है। अगला है प्रश्न, वाराणसी में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन हुआ रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से बनाया गया है? तो किसके साथ बनाया गया, किसकी सहायता से बनाया गया, हमें ये देखना है। तो ये है किस देश के साथ है भाई, ये है जापान के साथ, ठीक है, जापान के साथ है। क्या ये वाराणसी में के अपने पसंद क्षेत्र में रुद्राक्ष नामक एक अत्याधुनिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? इसके केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं, इसके छत शिवलिंग के आकार की है, ध्यान रखना है 2.87 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित है, 2 मंजिला संरचना है, 1200 लोगों को बैठने की क्षमता भी इसमें है, ठीक है, याद रखना, जापान के सहयोग से किया गया। कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में उभरा है? कौन सा देश है दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में उभरा है 2020 में? तो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस के बाद दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा है चीन इस समय, वर्तमान में चीन सबसे आगे है, ठीक है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे कौन है भाई? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष संजय गुप्ता है, ठीक है, संजय गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया भाई, याद रखना। गूगल इंडिया के उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक रहे हैं संजय गुप्ता के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निकट भविष्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की योजना बना है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन लॉन्च करेगा भाई? ये RBI करेगा, ठीक है, RBI। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने कियोस्क आधारित बैंकिंग सेवाओं की सहायता से अपने वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपने राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यवसाय संवाददाता, राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यवसाय संवाददाता के रूप में किसको चुना गया भाई? तो SBI ने चुना है, तो किसे चुना भाई? कियोस्क आधारित बैंकिंग सेवाओं की मदद से वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसको? पैसालो डिजिटल को चुना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया जो द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकता है? तो भैया डेनमार्क हो सकता है या सिंगापुर हो सकता है, तो ये है सिंगापुर, ठीक है, याद रखना, सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तरल प्रणोदक इंजन पर तीसरे लंबी अवधि के गर्म परीक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया, नाम रखा महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, तो किसका है भाई, इसरो ने किया है, नाम है विकास इंजन, ठीक है, विकास इंजन नाम है इसका, नाम क्या है, विकास इंजन। मुख्तार अब्बास नकवी
जुलाई 21 में राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त हुए। किसके उत्तराधिकारी बने ये? राज्यसभा के उपनेता बने। तो किसके उत्तराधिकारी बने भाई? ये बने हैं पीयूष गोयल की जगह पर आए हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न है, नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस टेबल में शीर्ष 50 राइजिंग संस्थानों में से कौन सा संस्थान 23वें स्थान पर था? 23वें स्थान पर कौन सा था भाई? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है 23वें स्थान पर है, ठीक है, 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसने लिखी भाई? KTS तुलसी, बलजीत कौर तुलसी है, ठीक है, बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मैलवेयर स्पाइवेयर माउंटिंग और मोबाइल सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा सेवाओं के सैन फ्रांसिस्को स्थित प्रदाता रिस्क IQ का अधिग्रहण किया? किसने किया भाई? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, मैलवेयर स्पाइवेयर मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा सेवाओं के सैन फ्रांसिस्को स्थित प्रदाता रिस्क IQ का अधिग्रहण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किस हवाई अड्डे के संचालक ने एक नया एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सबसे नष्ट के IT समाधान प्रदान करने के लिए IBM और किनराइल के साथ समझौता किया? तो ये किसने किया है? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाम है केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ठीक है, इसने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, अधिमलाई पझंग गुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंजा ट्रस्ट जैसे भारतीय संगठन निम्नलिखित में से किससे संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित भूमध्य रेखा पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है भाई के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित भूमध्य रेखा पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता भैया इसमें? संयुक्त राष्ट्र विकास कोष ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कोष ने जीता है, ठीक है। अगला है, नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी भाई? अंशुला राव है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, हरफन मौला खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, हरफन मौला खिलाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान और कौन सा अन्य देश था जो क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई हैं? तो USA है, अफगानिस्तान पाकिस्तान है और इसके साथ में है उज्बेकिस्तान, ये 4 देश हैं, इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 6 लाख महिलाओं को स्थायी रूप से महिला सशक्तिकरण आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 14 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसी राज्य सरकार ने ऐसा किया है? YSR चौथा योजना के माध्यम से स्थायी सरकार, तो भैया YSR के नाम से ही समझ में आ रहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ही किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया भाई? ये किया है किसके साथ? मैप मी इंडिया, ठीक है, मैप माई इंडिया के साथ समझौता हुआ है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास का अपेक्षित पूर्वानुमान कितना भाई? 11 से 10% ठीक है, 10% एशियाई विकास बैंक ने किया है। पुष्टि निर्भर नामक परियोजना है पर स्वास्थ्य श्रेणी के तहत किस जिले को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रजत स्कॉच, याद रखना कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय रजत कोष पुरस्कार किसको मिला है? तो भैया किसको मिला है? दक्षिण असम में बराक घाटी है, उसके कछार जिले को मिला है, ठीक है, याद रखना पुष्टि निर्भर परियोजना के लिए। भारतीय युद्धपोत है INS ताबर ने फ्रांसीसी फ्रिगेट FNS इक्विटाइन
और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ 2 दिवसीय अभ्यास में कहाँ भाग लिया है? तो भारतीय युद्धपोत है INS ताबर। तो कहाँ भाग लिया इन्होंने? इन्होंने भाग लिया बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में भाग लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये विजय गोखले इसके लेखक हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, तो कौन भाई? विजय गोखले लेखक हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस इसे प्रकाशित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया होगा। ठीक है, 49 से 74% हो गया। अगला प्रश्न है भारत में महिला अधिकारिता सिद्धांतों को लागू करने में कॉरपोरेट्स को सक्षम बनाने के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता महिला अधिकारिता के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के साथ भागीदारी की है? तो किसने की है भाई? किस संगठन ने की है संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता महिला अधिकारिता के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के साथ भागीदारी की है? तो नाम क्या है उसका? उसका नाम है इंटरवेव परामर्श ने किया है। ठीक है, इंटरवेव परामर्श ने किया है समझौता। ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। देखिए 10 सेकंड के वापस रिकॉर्ड, 8वीं ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीत, 8वीं ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में आ ही जाए। प्रतिद्वंदी इनके थे मैक्स वेर स्टेपन, ओके, उनको हराया इन्होंने। निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक लोक कलाकारों स्थानीय कलाकारों कारीगरों प्रदर्शन का करने का अवसर मंच प्रदान करने के लिए काला विश्व नामक नया अभियान शुरू किया? तो किसने किया है? ये किया है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने शुरू किया है काला विश्व। किस लिए है? पारंपरिक लोक कलाकारों स्थानीय कलाकार कारीगरों प्रदर्शन का अवसर और मंच प्रदान करने के लिए शुरुआत हुई है एक अभियान के नाम है काला विश्व भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है किस देश की नौसेना ने अपने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को दिया? मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, नाम है MH-60R भारतीय नौसेना को दिया। किस देश ने दिया भाई? आयरलैंड में आयोजित एक समारोह में अमेरिकी नौसेना ने, USA ने दिया है। ओके, किसने दिया है? USA ने MH-60R। किस बैंक ने कभी भी बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों के साथ ग्राहकों की मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वर्चुअल असिस्टेंट, नाम है फेड्डी, फेड्डी किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है फेड्डी से, नाम याद रखना, फेडरल बैंक ने किया है। ठीक है, क्या करेगा भाई? फेड्डी को गूगल बिजनेस मैसेजिंग में भी एकीकृत किया गया जो किसी भारतीय बैंक द्वारा अपनी तरह का पहला काम होगा। ये इसमें खोजी गई बैंक शाखा के सामने उपलब्ध संदेश चैट विकल्प पर क्लिक करके फेड्डी तक पहुंचा जा सकता है। फेड्डी को व्हाट्सएप पर फेड्डी लिखकर 8108030845 पर भेज कर पहुँचा जा सकता है। व्हाट्सएप के थ्रू कैसे पहुँचेंगे भैया? इसमें फेड्डी लिख देंगे फिर इसी पर भेज देंगे। ठीक है, इसी नंबर पर, उसके बाद उस पर पहुँचेंगे फेड्डी पर आप। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने पाया कि विकास ने शहर के तट के मूल्य को खतरे में डालने के बाद किस शहर को विश्व विरासत का दर्जा, किसी शहर को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया? तो वो शहर कौन सा है? वो शहर है लिवरपूल। लिवरपूल को विश्व विरासत का दर्जा अच्छा दिया नहीं, छीन लिया गया। चलिए अगला प्रश्न है सरकार ने GST लागू होने के कारण राज्यों को अपने राजस्व में कमी करने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की भैया? तो ये हुआ है 75,000 करोड़ रुपया। ठीक है, किस बैंक के साथ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने किस बैंक के साथ सॉफ्टवेयर के भीतर बैंकिंग समाधान के लिए भागीदारी की है? किस बैंक के साथ किया भाई? बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो बीजी किसके साथ किया भाई? ये हुआ है ICICI बैंक के साथ ऐसा समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राशि के प्रोत्साहन के साथ स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना शुरू की है?
तो ये है भैया 6,322 करोड़ रुपए के साथ प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, याद रखना आशा बनालु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आशा बनालु उत्सव तेलंगाना का है। ठीक है भाई, आशा बनालु उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो जब गठन हुआ तेलंगाना राज्य का तो उस समय चंद्रशेखर राव थे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किया, बोनालु उत्सव को राज्य उत्सव भी घोषित किया, चंद्रशेखर राव नाम था। जीवनी है राइडिंग फ्री एन ओलंपिक जर्नी, राइडिंग फ्री एन ओलंपिक जर्नी किस पर आधारित है, किसी पर आधारित है ये किताब है। हार्पर कॉलिंस ने इम्तियाज अनीस द्वारा एक भारतीय घुड़सवारी सवार उसके ओलंपिक सपने राइडिंग फ्री कहानी पेश करने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा अब इम्तियाज अनीस कौन थे भाई, इम्तियाज अनीस जो है एक घुड़सवारी ओलंपियन प्रशिक्षक प्रतियोगी एनबीसी कमेंटेटर योग्यता सेकंड प्रशिक्षक और कोच शिक्षक हैं। अगला प्रश्न है एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे के अनुसार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी की योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत हुई है भाई, इस समय हुई है 2.73 लाख करोड़ रुपया, मतलब 2,73,000 करोड़ रुपया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा घोषित 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, 2032 कौन कर रहा भाई, ऑस्ट्रेलिया शहर है, नाम है ब्रिस्बेन करेगा। ठीक है, ग्रीष्म 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी ब्रिस्बेन करेगा। ठीक है, तो याद रखना भैया ब्रिस्बेन पैरालंपिक खेलों की भी मेजबानी करेगा, ब्रिस्बेन जो है पैरालंपिक खेलों की भी मेजबानी करेगा, याद रखना। अगला है प्रश्न एरियल हेनरी है किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए, एरियल हेनरी हैती, एरियल हेनरी जो हैं हैती के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, नए प्रधानमंत्री बने। भारत में शीर्ष शहरों की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है, जहां न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हुआ है, तो ये हुआ भैया पुणे में और बेंगलुरु दोनों में हुआ है। ठीक है, तो पहला नंबर पुणे का होगा, उसके बाद बेंगलुरु का आएगा, तो अगर पुणे नहीं तो बेंगलुरु सही, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, देखिए जुलाई आ गया, उससे पहले हम रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, इन दोनों ने क्या किया, किसके लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए किया भाई, तो जाहिर सी बात है ये SC ST स्कूल के छात्र के लिए होगा। ठीक है, SC ST स्कूल छात्रों के लिए होगा ये। ओके ठीक है, हाँ 50,000 स्कूल शिक्षकों को ऐसा किया जाएगा, उसमें शामिल करके नवाचार उद्यमता IPR डिजाइन सोच उत्पाद विकास विचार निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ऐतिहासिक चुनाव दस्तावेजीकरण करने के लिए संकलन कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स का संकलन और संपादन किसने किया है, तो ये इसका संपादन किसने किया भाई और संकलन भी किसने किया है, तो इनका नाम क्या हो सकता है, नाम है इनका तरुण बसु नाम है। ठीक है, तरुण बसु नाम है। अगला प्रश्न है जुलाई 21 में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के प्रमुख गोल्डमैन सैक्स ने एक नई सुविधा खोली है, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के प्रमुख गोल्डमैन सैक्स ने एक नई सुविधा खोली, वो कहाँ खोली है, वो खुली है भाई आपके हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में खुला ही। ठीक है, अगला प्रश्न है कैबिनेट ने 25 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी है, तो वो कहाँ पर मंजूरी दी है, वो मंजूरी दी गई लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में दी गई है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रेल
संपत्ति में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए एक एकीकृत वास्तविक समय उद्यम प्रबंधन प्रणाली लागू कर रहा आई ड्रीम्स। कौन कर रहा भाई? तो ये है देश में रेल परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए किसने किया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने किया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने किया है रहा। ठीक है, नाम है आई ड्रीम। तो भैया ये हुआ आज तीसरा वीडियो हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस ध्यान से सुने होंगे, और अगर ध्यान से सुने हैं तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं, इसके लिए प्रयास है। और आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत परिणाम मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।